नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश किस्सा प्रॉपर्टी में आप सभी का स्वागत है। इस खास पेशकश में हम तमाम उन बिल्डर्स, उन डेवलपर्स और उन लोगों की बात करते हैं जो आम जनता के साथ धोखा करते हैं, उनके सपनों के आशयों को तोड़ते हैं। कहते हैं जब सपना टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन कोई धोखाधड़ी करता है तो दर्द जरूर होता है। सबसे पहले आज बात करेंगे किस तरह से बिल्डर्स आपको धोखा दे रहे हैं, किस तरह से बिल्डर्स जो कहते हैं वो नहीं करते, किस तरह से बिल्डर्स की लापरवाही के कारण आपकी जान जा सकती है। फिर बात करेंगे हम किस तरह से अजमेरा गार्डन मामले में JDA ने नोटिस इशू कर दिए। अब देखने वाली बात होगी JDA कब कार्रवाई करते हैं। देखिए हमारी इस खास पेशकश। बिल्डर का अत्याचार, ग्राहकों में मचा हाहाकार। लिफ्ट से गिरकर जान गंवाने वाले टीचर का गुनहगार कौन? पुलिस ने क्यों नहीं की बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई? आखिर सरकार बिल्डरों पर क्यों दिखाती है दरिया दिली? हर व्यक्ति का सपना होता है अपना एक सुंदर सा आशियाना हो। उसके लिए वो अपने जीवन भर की कमाई से फ्लैट तो खरीद लेता है, लेकिन बिल्डर की वादा खिलाफी और धोखाधड़ी के चलते वो जिंदगी भर परेशानियों में जूझता है। बिल्डर फ्लैट बेचने के बाद मुड़कर ये देखने की कोशिश भी नहीं करता कि वहां के हालात क्या हैं। लिहाजा अपार्टमेंट में घर खरीदते वक्त आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपकी जान भी ले सकती है। बिल्डर तो मोटी रकम कमाने के बाद उस जगह को मुड़कर भी नहीं देखना चाहता। ऐसा ही कुछ इस बिल्डिंग में हुआ, जहां लिफ्ट के रुकने पर उसमें से निकलने की कोशिश में एक युवती की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई और उसकी मौत की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आपका बिल्डर ले सकता है आपकी जान, अगर लिफ्ट का समय पर नहीं होता रखरखाव तो रहे सावधान। भले ग्राहक होते रहे परेशान, क्या रेरा ऐसे बिल्डरों पर करेगी कोई कार्रवाई, या फिर इस तरह लुटते रहेंगे निवेशक? दरअसल राजधानी जयपुर में पत्रकार कॉलोनी में सोमवार को एक अपार्टमेंट में रहने वाली युवती तीसरी मंजिल से पैर फिसलने से लिफ्ट के डक्ट में गिर गई। हादसे में दिव्य अपार्टमेंट में रहने वाली 29 वर्षीय चित्रा परवानी की मौत हो गई। चित्रा निजी स्कूल में टीचर थी। वहीं अब तक पुलिस ने बिल्डर की इस लापरवाही के मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया है, ना ही पुलिस थाने के अधिकारी साहब उनके घर पर आए हैं। वहीं इस मामले पर जब थाना अधिकारी से बात की तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मृतका के भाई राहुल ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ दिव्य अपार्टमेंट में चौथी मंजिल पर रहता है। उसकी बहन चित्रा के साथ सुबह करीब 11 बजे लिफ्ट में चढ़कर ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल पर आ रहे थे। इस दौरान लाइट जाने से लिफ्ट चौथी और तीसरी मंजिल के बीच में रुक गई। राहुल ने लिफ्ट में सायरन बटन दबाया, उसके बाद गार्ड वहां आया। लिफ्ट तीसरी मंजिल के फर्श से थोड़ा ऊपर थी। गार्ड ने लिफ्ट का गेट खोला और दोनों को नीचे उतरने के लिए स्टूल रख दी। गार्ड ने दोनों को स्टूल पर पैर रखकर बाहर निकलने को कहा। पहले चित्रा स्टूल पर पैर रखकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान अचानक चित्रा का पैर स्टूल से फिसल गया और वो लिफ्ट के नीचे से तीसरी मंजिल से गिर गई। चित्रा के नीचे गिरते ही राहुल लिफ्ट से बाहर आया और सीढ़ियों से दौड़कर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। राहुल ने चित्रा को लिफ्ट के डक्ट से बाहर निकाला। चित्रा के सिर और कान से खून बह रहा था। वहीं पड़ोसी की कार से उसे मानसरोवर के निजी अस्पताल में लेकर गया, जहां से हालत बिगड़ने पर चित्रा को SMS रेफर कर दिया गया। SMS हॉस्पिटल में शाम को उपचार के दौरान चित्रा की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर में रखवाया गया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। परिजनों का कहना है कि बिल्डिंग का जनरेटर भी नहीं चल रहा था, पावर बैकअप होता तो लिफ्ट नहीं फंसती। मैनेजमेंट वालों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जी मैं मोनिका, मेरी बहन की अभी डेथ हुई है। इस दिव्य दर्शन अपार्टमेंट 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई। शादी से पहले जब मैं यहाँ रहती थी तो मैंने इनको बोला लिफ्ट में खराबी है, मेरे पापा फंस गए लिफ्ट में रात को 11 बजे, तो बोलते लिफ्ट यूज मत करो। अरे 4th फ्लोर पे क्या बंदा बिना लिफ्ट के जाएगा, वो भी बुजुर्ग आदमी को तुम कहते हो लिफ्ट यूज मत करो। 1500 रुपए मेंटेनेंस लेते हैं, उसके अलावा किराया लेते हैं 8,500 रुपए। 13,000 रुपए इन्होंने बिल लिया है हमसे। 13,000 रुपए मायने रखता है बिल? उसके अलावा 1500 रुपए मेंटेनेंस, 8,500 रुपए किराया, उसके बाद बोलते लिफ्ट यूज मत करो। और फिर जब मेरी बहन अंदर लिफ्ट के अंदर थी, तब ये गार्ड साहब छोटा सा स्टूल लेकर आ रहे हैं और यूं खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि उसको स्टूल को पकड़े, ऐसे नहीं बहन को मेरी पकड़े। इसकी जगह पे इनका खुद का घर का होता तो उसको नहीं पकड़ते उसको। मेरी बहन यूं सटाक नीचे गिरी, यूं खड़ा होकर तमाशा देखा।
और अब आज सुबह गम जता रहा, कह रहा थी कि बैठक यहाँ पे मत करो, यहाँ पे शुभ काम होंगे। अरे तुम्हारे अपार्टमेंट में अशुभ काम हो रहे तो यहीं पे ही होंगे ना, कहाँ होंगे? बिल्डर का नाम मदन लाल मीणा, वो यहाँ तक अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वो कहता है न्यूज वालों को रिपोर्ट नहीं दो। अरे क्यों नहीं देंगे रिपोर्ट? मेरी बहन गई है, मैं 50 बार रिपोर्ट दूंगा। कहता है पैसा लो, पैसा तू डाल अपने पास, पैसा मेरे से ले, तू पैसा मेरी बहन को ला के दे, मेरे से ले पैसा। मदन लाल मीणा आए मुझसे ले पैसा, मेरी बहन को ला के दे। लोगों ने ये कहा कि डेड बॉडी मत उठाओ, डेड बॉडी मत उठाओ। चित्रा की मौत के पहले परिवार को एक सदमा लग चुका था, जब परिवार की एक लड़की 6 महीने पहले बीमारी की वजह से चल बसी। भाई राहुल ने बताया कि वे 4 बहनें और 2 भाई थे। चित्रा की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सदमे में जी रहे इस परिवार की पुलिस प्रशासन ने भी नहीं सुनी, जबकि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लापरवाह बिल्डर की है। अभी हम पत्रकार कॉलोनी में मौजूद हैं और पत्रकार कॉलोनी में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो दिव्य दर्शन अपार्टमेंट है जहां पर 29 वर्षीय चित्रा पारवानी अटकी थी लिफ्ट के अंदर। उसके बाद लाइट चली गई सडनली और पूरा मसला हुआ और दिव्या की मौत हो गई। और वाकई में सवाल यहाँ पे सिस्टम पे खड़ा हो रहा है और बिल्डर्स पे खड़ा हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे ना तो पावर बैकअप है और पावर बैकअप जो है वो भी काम नहीं कर रहा और लिफ्ट भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही। और उनके जो ब्रदर हैं छोटे भाई वो जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या था पूरा मसला, वहीं पे थे, क्या मामला था? हम दोनों लिफ्ट में साथ में ही फंसे थे, मतलब लिफ्ट 2री और 3री मंजिल के बीच में अटक गई थी। तो नीचे स्टूल रखा और हम लोगों को उतारना रखा, तो उसमें बहन ने जैसे ही पैर रखा ना तो स्टूल फिसला, स्टूल पहले गिरा और वो स्टूल के साथ ही नीचे उसमें चले गई। हाँ, और गार्ड ने किया था, गार्ड ने स्टूल रखा था। इस तरह की समस्या आती रहती है लिफ्ट में पहले? लिफ्ट काफी बार अटकती रहती है, मतलब आए दिन अटकती रहती है। और भी यहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर ये लिफ्ट में प्रॉब्लम आती है, आपने कभी बिल्डर को बोला नहीं या कोई मेंटेनेंस करता है? बोला है, मेंटेनेंस भी करवाते रहते हैं लिफ्ट का। कल जो मोस्टली प्रॉब्लम हुई वो लाइट जाने की वजह से हुई। लाइट गई तो उसको लिफ्ट जो थी बैलेंसिंग पे नहीं थी, हमने डीजी ऑन किया, डीजी ऑन करने से इसका पावर नहीं आया। पावर सही नहीं आया, जिसमें डीजी हमने 4 लाख रुपए का नया लगवाया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इसने लोड नहीं लिया, लोड नहीं लेने के कारण वो लिफ्ट बीच में अटक गई। इसने डीजी बंद रखा और यहाँ जाके इनको उतार रहा था, जैसे उतारने के लिए उसने प्रयास किया तो वो पैर स्लिप हुआ, डब्बे पे रखने की वजह से पैर रखा, पैर प्रॉपर रखा नहीं गया, पैर स्लिप होने की वजह से ये दुर्घटना हो गई। दुर्घटना तो हो गई, लेकिन क्या आगे, क्या ऐसी दुर्घटना नहीं हो, क्या करना चाहिए बिल्डर को? सर कुछ सेफ्टी पर्पज होते हैं लिफ्ट के लिए, पावर बैकअप में ऑटो कट भी होना चाहिए। कुछ मेरे जानने में ऐसा भी है लिफ्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाई है, या फिर जो भी एक लिफ्ट का सिस्टम होता है कि लाइट जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे आके रुक जाती है लिफ्ट, कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं, वो सब सिस्टम नहीं है अभी, सेफ्टी पर्पज नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सेफ्टी पर्पज होना चाहिए, आपने भी देखा था, हम भी लिफ्ट में, हमको भी डर लग रहा था, हमने अभी लिफ्ट में जाने की कोशिश की और अभी तो महज कुछ देर पहले ही लिफ्ट में एक व्यक्ति गए तो वो लिफ्ट रुक गई बीच में। और आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, जबकि लिफ्ट में आदमी भी होना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही लिफ्ट पूरी तरह से काम नहीं कर रही। ऐसे में अब सवालों के घेरे में बिल्डर है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस मामला, गैर इरादतन हत्या का मामला बिल्डर पर कब तक दर्ज कर पाती है। और इस तरह के अमूमन और भी बिल्डर्स हैं जिनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है लिफ्ट की, तो आप भी अगर जाएं तो ध्यान से जाइए, और अगर आपके बिल्डर अगर लिफ्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहा तो आप रेरा में भी शिकायत कर सकते हैं। वहीं बिल्डर मदन मीणा से जब इंडिया न्यूज ने बात करनी चाही तो बिल्डर ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से अब उसका कोई लेना देना नहीं और अब बिल्डिंग की पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी की है और वही सारा काम देखती है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट बने हैं और बिजली न आने पर विकल्प के तौर पर जो जनरेटर रखा गया था वो भी खराब हो चुका है। हम उस लिफ्ट में भी गए जहां से गिरकर चित्रा की मौत हुई थी। अगर वक्त रहते लिफ्ट का रखरखाव होता तो आज चित्रा इस दुनिया में होती। सावधान, अगर आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं और आपके अपार्टमेंट या बिल्डर ने लिफ्ट के अंदर पावर बैकअप नहीं लगा रखा तो आप बिल्कुल सोच समझ के जाइए। आप मेरे पीछे जो लिफ्ट देख रहे हैं ये दिव्य दर्शन अपार्टमेंट की है और उसी के अंदर चित्रा नाम की युवती की कल मौत हो गई। दरअसल पावर बैकअप नहीं था, लाइट चली गई, जिसके बाद वो जिसको निकालना चाहा उसका पैर फिसला और यहाँ से फिसल के नीचे गिर गई। 4री मंजिल पे दिव्या रहती थी और दिव्या स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उनके घर का हाल बेहाल हो गया है, रो रो के घर वालों का हाल खराब हो गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक बिल्डर पे कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी बिल्डर पे पुलिस कब तक मामला दर्ज करवाती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जितेंद्र जेठमलानी, इंडिया न्यूज़ जयपुर। अब जरा इस बिल्डर की एक दूसरी चालाकी देखिए कि उसने इसी जगह पर अवैध तरीके से एक पेंट हाउस भी बना दिया और उसका किराया भी मृतक चित्रा परवानी के परिवार को किराए पर दे दिया। हालांकि ये पूरी तरह से बिल्डिंग
बायलॉज के खिलाफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बिल्डर की मलाई काटने की बारी आती है तो वो हर वक्त इसके लिए तैयार है, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्डरों की इस धोखाधड़ी को लेकर हमने लोगों को आगाह करने का काम किया है और आगे भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हमने कई लोगों से बात की, क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आप भी सुनिए। सर, आप एक इंजीनियर प्रोफेशन से हैं, इस तरह की घटनाएं अमूमन आपने सुनी होगी कि बिल्डर बेच के चला गया, पानी नहीं है जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो कि संविधान की फहरिस्त में भी लिखा है, रोटी कपड़ा और मकान। एक मकान छत देखने के लिए इंसान का सपना होता है, उस सपने को साकार करने के लिए वो जीवन भर की कमाई लगा देता है, लेकिन बाद में देखता है कि यार उसने रूफटॉप अवैध बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग नहीं। आपका क्या कहना है? सर, इसमें कुछ तो जो अपना जो पॉलिसी है बाय द जो JDA के थ्रू जो हमने डिफाइन कर रखी है, एक तो वो ग्राउंड पे ना इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। उसमें भी क्या है कि जैसे कि लिफ्ट लगा दी तो एक फ्लोर वो जो है ना ऊपर बना देते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको बेनिफिट हो जाता है कि भाई ये हमारे फ्लैट ज़्यादा बढ़ गए तो बेच के वो लोग अपना पैसा कमा लेते हैं। सेकंड थिंग, जो उसमें लिफ्ट लगाते हैं, लिफ्ट का एक जैसे मेरे मालूम है कि बी क्लास सिटी है, तो जो एरिया इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है वो आकर के उसकी सारी सेफ्टी चेक करता है। सेफ्टी के साथ साथ बाकी में ये मशीन जो लगी हुई है ये कि ओरिजिनल कंपनी की है कि नहीं है, ठीक है ना, वो कोई चेक नहीं करता। और जो इस प्रोफेशन में जो बिल्डर लाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी कोई प्रोफेशन नहीं होता, लाइक दे आर नॉट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और समथिंग, वो जो है सिर्फ ड्राइंग बनवाते हैं या किसी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा करके और खुद कंस्ट्रक्ट करा करके डेवलप कर देते हैं, और बाय द मार्केटिंग पॉलिसी और एक्सपर्ट नॉलेज इन द मार्केटिंग तो वो बेच के निकल जाते हैं। उसके बाद जो ऑक्यूपेंट जो होता है ना वो परेशान होता है इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी इज़ अ मेजर कंसर्न, क्योंकि अगर वो चेक इन, हाँ, पेंट हाउस अलाउ नहीं है, उसको लोग इंटरनली पहले क्या करते हैं उसको ड्राइंग को पास करवा लेते हैं, पास करवाने के बाद जब वो पास हो जाती है स्टैंप लग जाती है, उसके बाद वो फाइल हो जाती है, JDA में फाइल जमा हो जाती है, उसके बाद वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, चाहे तो नीचे उसकी शॉप बनाएं, चाहे मार्केट बनाएं, चाहे पेंट हाउस बनाएं, वो उनके हाथ में। हाँ, पार्किंग की रहती है, FAR अगर ये दोनों कंडीशन है, एक तो जो मशीन लगी है उसकी सेफ्टी का इंस्पेक्शन होना चाहिए बाई लॉस, होना चाहिए मगर करता कोई नहीं है। दूसरी बात क्या है कि FAR हो गया, फ्लोर एरिया रेशियो हो गया, उसमें वो लोग खुद ही चेंज कर देते हैं आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एज बिल ड्राइंग, वो लोग खुद इंप्लीमेंट कर वो कर देते हैं चेंजेज कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे को बताई और हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी कि आप अगर अपनी फ्लैट खरीद लें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका बिल्डर ने जो मटेरियल कैसा लगाया है, आपके बिल्डर ने क्या बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाई या नहीं बनाई, क्योंकि बाद में कई तरह की समस्या हो जाती है। और भी लोग जुड़े हुए आपकी ये बिल्डिंग में लिफ्ट ख़राब है, क्या आपका क्या कहना है? अवेयरनेस पार्ट पे हम बात करना चाह रहे हैं कि इस तरह से क्या घटनाएं होती रहेगी। घटनाएं क्या मतलब ही, मतलब हमारी है ना 3-4 महीने से ये मतलब सोसाइटी की जो ये लिफ्ट है जो मतलब कि ऐसे ही हैंग हो जाती है और फंस जाते हैं इसमें लोग। अभी मेरी डॉटर फंस गई थी 2 महीने पहले, तो उनको इसी तरह से निकाला गया था, पहले हम लोग फंस गए थे इसमें। आए दिन मतलब होता ही रहता है ये, मतलब आए दिन ख़राब ही रहती है और आए दिन इसमें लाइट की समस्या रहती है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, हमें भी इस चीज़ को लेकर बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमारे सामने वो लड़की तड़प तड़प के अपनी किसी और के साथ ये ना हो, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और उसको मैंने देखा है बहुत तड़पते हुए, हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेकर। अगर ये चीज़ सही होती तो शायद हो सकता है वो बच जाती। बिल्कुल, ये चीज़ सही होती तो शायद वो बच जाती। इनकी मदर भी हैं, बड़ा हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपके घर का चिराग गया एक, अब ऐसा किसी के साथ नहीं हो, क्या आप सरकार से गुजारिश? इसके लिए मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि फ्लैट बनाने से पहले जो बिल्डर हैं उनको पूरी तरह से जो भी बिल्डिंग बनाए उसका मटेरियल हर चीज़ चेक होनी चाहिए और मटेरियल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग में जनरेटर लगा होने के बावजूद भी जनरेटर चालू नहीं किया गया। जब हमसे मेंटेनेंस लेते हैं तो 5 मिनट भी यदि लाइट जाती है उसी वक्त जनरेटर चालू होना चाहिए। दूसरी बात, जब सिक्योरिटी हॉर्न बजाया गया है और गार्ड गया है तो उसे ये होना चाहिए कि यदि मैं उसको उतार रहा हूँ, नीचे स्टूल रख रहा हूँ, तो वो किस चीज़ का है। लिफ्ट में करंट है, उन्होंने लोहे का ही एक स्टूल जो चाय की थड़ी पे होता है वो रखा है, दोनों हाथ उसके लिफ्ट में है और उसने उस पर हाथ नहीं दिया, ना ही बच्ची का हाथ पकड़ा, तो ये कितनी बड़ी मतलब दुर्घटना नहीं है, लापरवाही वाली बात है। सबसे बड़ी लापरवाही है कि सामने वाले की जान खतरे में है और आप आंखों से देख रहे हैं और वो आपके सामने गिर रहा है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं?
मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगी, या तो ऐसी बिल्डिंग बनाना ही बंद हो जाए, मेरी ये गुजारिश है। और अगर बनाई जाए तो इसके पूरी तरह से हर चीज़ चेक होनी चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग तैयार की जाए, क्योंकि इसमें रहने वाली जिंदगियां जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। आज हमारे साथ हुआ, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़ी मार्मिक ये स्थिति है इनके परिवार की, क्योंकि एक इनकी बच्ची थी जो पहले ही जिनका निधन हो गया था, उसके बाद ये दूसरी बच्ची का इस तरह से आकस्मिक निधन हुआ है। हमें भी बड़ा शोक है, लेकिन बिल्डर्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती के कारण कितने लोगों की जाने ना जाने जाएंगी, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका क्या कहना है? आप भी फ्लैट में रहते हैं, सामने ही रहते हैं, मैंने देखा अभी आप फ्लैट में रहते हैं। कितनी बड़ी समस्या है, बिल्डर बेच के चला जाता है, और आप? मेरा यही कहना है कि बिल्डर ने बिल्डिंगें बना दी, लेकिन उसमें मेंटेनेंस के नाम पे पैसा भी लिया जा रहा है, और फ्लैट में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर जनरेटर भी उपलब्ध नहीं है, और जनरेटर है तो वो ख़राब हालत में, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, जबकि नियम यह है कि वो ऑटो कट ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, और कभी लिफ्ट रुकनी नहीं चाहिए थी। ऐसा यहाँ हुआ है, ऐसा कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम सबको जागरूक रह के इसके लिए अभियान चलाना चाहिए कि इस प्रकार का कुछ ऐसा हो कि सरकार इस पर सख्त नियम बनाए बिल्डरों के खिलाफ, और आगे ऐसी दुर्घटना नहीं हो। इस मामले को लेकर अब परिवार बिल्डर के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। परिजनों का कहना है कि जल्द ही वो लोग बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि देश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब बिल्डर की ऐसी ही लापरवाही के चलते लिफ्ट में फंसने से कई लोगों की जान पर बनाई है, और उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती?